कोतवाली सिधौली इलाके में एक युवती के गायब होने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित पिता पुलिस पर खुद को गुमराह कर रुपए ऐंठने का आरोप लगा रहा है, जबकि पुलिस आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। खो गई है तो हम रिपोर्ट कह रहे थाने में, सिधौली थाने में, यहाँ 14 तारीख के यहाँ, और को अभी तक का कोई सूचना नहीं है। उस तक सूचना जब उनका भानो या के यहाँ उनका प्लेजिए थाने के यहाँ तब पकड़ के यहाँ, तब मनोज दरोगा रहे तो कहें चलो लड़की मिल गए है वहाँ गोया में यहाँ है, तो वहाँ बताए तो हमसे कहें 2000 रुपये हमारे खाता पर है, उसके खाता भेज दो, तुम्हारी लड़की भूखे मर रही है, तो 2000 रुपया दरवाई तक जब हुआ पहुंच गए तो 1000 रुपया दरोगा जी अपने खाते से भेजी, 3000 हो गया तो फिर हुआ जब पहुँचे जाते गली में तो कहें 3000 फिर भेजो मनोज दरोगा, तो 3000 फिर डरवाई, तो 6000 साहब हमसे डरवाई। हम ये मनोज दरोगा के यहाँ 20000 रुपया दे रहा और 6000 रुपया हमारे खाता हमें सेब लेके खाता पर डरवाई नहा के, तो कहीं हुआ है तुम्हारी लड़की फिर खाए पिए नहीं है, तो उनका खाए के यहाँ पता लगे का ना भाई, आज तक का भाई भी कोई पता नहीं ना कोई शिनाख लाग, 50-45 हज़ार तक का खर्च हुई गया हमारे सब रुपया। अब हमका साहब हमारी लड़की कोई चाहे जिंदा हो चाहे मरी हो चाहे कोई तरह कोई हमका साबुक मिल जाएगा, पता नहीं कहाँ मर गए है कि जिंदा है, हरि प्रसाद बहन ने भगाया है और मनोज अनिज हैं और भानु हैं शुभ हैं। दरअसल मामला इलाके के गांव कुंवर गड्डी का है, जहां के निवासी हरीश ने एसपी ऑफिस में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी बीते 14 नवंबर से गायब है। उसके गायब होने में गांव के ही हरिप्रसाद व उसकी पत्नी अनुज और मुंडरेवा दुलारपुर के भानु का हाथ है। पीड़ित ने विपक्षी गणों के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया था। आरोपी भानु से पूछताछ के बाद एसआई मनोज व साथी गणों से लड़की के गोवा में होने की बात कहकर उसे मध्य प्रदेश के इंदौर तक लेकर गए। यात्रा के दौरान उससे 20,000 रुपये नकद, 5,000 डिजिटल ट्रांसफर समेत करीब 40 से 45 हज़ार रुपये भी खर्च करवा दिए, लेकिन अभी तक न तो लड़की बरामद हुई है और न कोतवाली जाने पर कोई सुनवाई की जा रही है। इस बाबत पीड़ित पिता ने एसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। सूचना पर मालूम है कि इनकी लड़की रात में गायब हो गई है, मैंने भी गए फिर तहरीकात दिया, दरोगा जब आपको कोतवाली FIR दर्ज कराएं, 2-4 दिन के बाद दरोगा साहब कहने लगे कि ये गोया की लड़की गई, गोया में लड़की है आपकी, गोवा गोवा में लड़की आपकी है, इनसे तुरंत तत्काल ने कहा 20,000 रुपये की व्यवस्था करिए और हम चलिए, इनसे 30,000 इनने गाड़ी लेकर के गए रात में, फिर वहाँ गए तो इनका तत्काल कह गए कि मतलब 2,000 रुपये लगाइए खाते पे अभी इसी वक्त, हम पे फ़ोन आया वहाँ से, उसको वो लड़की वहाँ होटल में है नहीं, वो लड़की कहीं चली जाएगी, वो होटल वाला रोक के है, उसके खाते पे पैसा लगाया, फिर गली में गए रास्ते से पे दरोगा साहब 1,000 फिर रुपये दे, सुबह फ़ोन किए तो दरोगा साहब 3,000 रुपये फिर लगवाए, हम लोगों यहाँ से घर पे थे पैसे लगवाए, वहाँ ये गए वहाँ लड़की उड़की नहीं मिली, पैसा खर्चा किया सब कुछ किया वापस आए, फिर दरोगा जी से बात की गई तो दरोगा जी के कहने लगे कि वह तो फराडिया का नंबर है, मैंने कहा आपको नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहने लगा इंस्पेक्टर साहब ने नंबर हमको बताया, मेरा कहना था लड़की मिल जाए कहीं भी हो कैसी भी हालत में लड़की मिल जाना चाहिए, लेकिन पुलिस मेरी कोई सहायता कर नहीं रही, मैंने एक बार यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई एसपी ऑफिस, दोबारा 25 साल को एसपी से आप दे एप्लीकेशन, आज भी मैंने एप्लीकेशन दी कोई सुनवाई नहीं, लगभग 50-60 रुपये के हिसाब से खर्च हो गया, 50-60 हज़ार रुपये के हिसाब से खर्च, दरोगा हमारे हेल्थ चार्ज हैं मनोज गुप्ता। मामले में जब कोतवाल राम प्रकाश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोप बेबुनियाद है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, तलाश के लिए एक टीम भी भेजी गई है लेकिन अभी तक लड़की का पता नहीं चल सका है, जल्द ही पता लगाकर लड़की बरामद कर ली जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम श्री अशेष है।